Hello, students. I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing good. Today's topic is agriculture and major crops. Learning topics types of agriculture, food crops, subsistence agriculture, commercial crops, commercial agriculture, agricultural development, major crops. Agriculture mainly refers to the tiling of fields for the cultivation of crops along with rearing of livestock. Such as cattle, goats, sheep, horses, camels, chickens, fish, silkworms, and honeybees for sustenance or economic gain. For most of human history, humans were hunter gatherers. It was only about 10,000 years ago that they began to domesticate plants and animals to secure food supply. Thus, the birth of agriculture can be defined as when humans stopped chasing food and started. रेजिंग इट एग्रीकल्चर यूजेज अबाउट वन थर्ड ऑफ द लैंड ऑन द प्लानट तो आपका जो अर्ली टाइम हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो उस टाइम पे जो एशियंट ह्यूमन बींग्स थे वो खाने को ढूंढते थे और हंट करके खाते थे वहां से जो उनका ट्रांजिशन हुआ एग्रीकल्चर की तरफ जहां पर उन्होंने हंट करना छोड़ के खाने को उगाना शुरू कर दिया वहीं से हमारी एग्रीकल्चर की और लाइफ सस्टेनेस की जर्नी स्टार्ट हुई Agriculture is a primary activity as it involves acquiring raw materials from nature. प्रोड्यूसिंग फूड इट प्रोवाइड रॉ मटीरियल्स फॉर अदर इंडस्ट्रीज इट इज अम वेयर इनपुट आर प्रोसेस्ड एंडल्ट इज द आउटकम एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी होती है जहां पे नेचुरल रिसोर्सिस के इन्वॉल्वमेंट से आपके रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं बाकी सारी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में इवन ह्यूमन लाइफ का भी जो बेसिस है जो सस्टेनस है वो एग्रीकल्चर की वजह से ही पॉसिबल है The inputs can be seeds, manual labor, machines, fertilizers, pesticides, and insecticides, water, sunlight, soil, etc. So these all the resources, your seed can be, manual labor can be, fertilizers can be, machines can be, equipments. all resources. Mein aati the processes are tilling the land, sowing the seeds, transplanting, looking after, weeding. इरिगेशन, हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग स्टोरिंग ट्रांसपोर्टिंग एटसेट्रा और इन सारे प्रोसेस में आपका सीड बोने से लेकर जैसे वो उगते हैं उनकी केयर करना फर्टिलाइजेशन उसमें डालना मैन्यर डालना उसकी देखभाल करना वाटरिंग करना उसके बाद हार्वेस्टिंग करना हार्वेस्ट करने के बाद उसको स्टोर करना स्टोरिंग के बाद लोकेशन uh, में ट्रांसपोर्ट करना ये सारी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है

बायो फार्मासेंटिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स ऑर्नामेंटल प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर इंक्लूड ट्रॉपिकल फिश एंड बर्ड बहुत सारी ऐसी मेडिसिनल हर्ब होती हैं जिससे आपकी फार्मास्यूटिकल्स में ये सारी चीजें सप्लाई करी जाती हैं और आपके मेडिसिन बनते हैं कुछ ऐसी भी आपकी फिशरीज होती हैं जो आपकी ऑर्नामेंट्स के लिए भी इस्तेमाल करी जाती हैं टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर All agricultural activities may be divided into two broad categories depending on the size of the farm, tools and methods of cultivation, crops grown, types of livestock. रेड एंड द अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस केप्ड बाई द फार्मर दे आर नंबर वन सी सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर नंबर सेकेंड कमर्शियल एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर के भी अलग अलग टाइप के आपके कैटेगराइजेशन है कहाँ पे आपका एग्रीकल्चर करना है नीड क्या है उसके बाद जो आउटकम निकलेगा उसका यूज किस तरीके से करा जाएगा तो दो ब्रॉड कैटेगराइजेशन एक है सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरी है कमर्शियल फार्मिंग Subsistent agriculture. When the farmer produces just enough to sustain his family and sells or exchanges the surplus with members of the local community, it is called. सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कंज्यूम द गुड लोकली विद इन दरअसल होती है जहां पे फार्मर जो होता है उतना ही क्रॉप उगाता है इतना ही प्रोड्यूस उगाता है जितना उसके लाइफ सस्टेन करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है थोड़ा बहुत अगर सरप्लस हो जाता है तो लोकल कम्युनिटी में ही वो किसी और चीज के साथ उसको एक्सचेंज या फिर बेच देता है इसको कहा जाता है सबसे फार्मिंग इसका सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए जितनी की जरूरत है फॉरेस्ट कम्युनिटीज कल्टिवेट अ प्लॉट ऑफ लैंड एंड ग्रो क्रॉप फॉर अ फ्यू ईयर द प्लॉट इज देन अबेंडेड एज सॉइल लूज इट्स फर्टिलिटी इन फेवर ऑफ अनादर पीस ऑफ न्यू फॉरेस्ट लैंड मेथर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न मेथड तो आपका इसमें जो टाइप आता है वो है आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसमें अगर एक पैच ऑफ लैंड में आप आज कोई क्रॉप ग्रो कर रहे हैं जब उसको आप हार्वेस्ट कर लेंगे उसके बाद वो पैच ऑफ लैंड दोबारा किसी और क्रॉप के लिए सुटेबल नहीं रहता है वेस्ट हो जाता है बंजर जमीन हो जाती है सॉइल इनफर्टाइल हो जाता है इसको झूम भी कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और फिर नेक्स्ट टाइम जब आप उस क्रॉप को उगाते हैं तो वो किसी और पैच ऑफ लैंड में उगाया जाता है नोमैडिक हर्डिंग इट इज मोस्ट एशियन टाइप ऑफ फार्मिंग इन दिस देर हर्ड्स ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर नोमैडिक हर्डिंग प्रिवेल्स इन द सहारा ईस्ट एंड साउथ वेस्ट अफ्रीका जो नोमैडिक हर्डिंग होती है इसमें जितने भी ओनर्स होते हैं जो नोमैड होते हैं वो अपने आ, अलग अलग जानवरों को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ढूंढते हैं कहाँ पे किस तरीके से पैस्चर ऑफ लैंड होगा वहीं पे अपना कल्टिवेशन करते हैं और फिर दोबारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं इनकी कोई एक सेटल्ड लाइफ नहीं होती है Intensive subsistence agriculture. This approach to agricultural activity also prevails in tropical countries in the monsoon regions. The farmers, however, get high yield per hectare by using fertilizers. On a fertile soil to ensure good yields, the crops grown include rice, wheat, maize, pulse. Oil seeds and others. उसके बाद आपकी आती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जैसे कि कुछ कुछ ऐसे लैंड होते हैं फॉर एग्जाम्पल ट्रॉपिकल लैंड जहां पर एक सेट अमाउंट ऑफ कोई भी डिसाइड करा जाता है कौन सा क्रॉप उस पर्टिकुलर सॉइल पर उगाने के लिए सुटेबल होगा तो इसे कहा जाता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कमर्शियल एग्रीकल्चर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इज ऑफ़ हाई डोज़ेज़ ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स इंसेक्टिसाइड्स एंड हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स इन ऑर्डर टू गेट मोर आउटपुट मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाई मशीन इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेड फॉर सेल इन मार्केट कमर्शियल एग्रीकल्चर वो होता है जहाँ पे कोई भी फार्मिंग एक्टिविटी करवाई जाती है वो इस मोटिव से कराई जाती है कि इसको कमर्शियलाइज करा जाएगा यानी कि मार्केट्स में सेल करा जाएगा टू अर्न प्रॉफिट यहाँ पे जो यूजुअली आप देखेंगे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेस्टर ऑफ लैंड में एग्रीकल्चर बहुत ही इंटेंसिव रेट पे करवाया जाता है मशीन्स का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे ज्यादा रहता है राधर दैन मैनुअल लेबर और उसके बाद इनको मार्केट्स में सेल कर दिया जाता है एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग पेस्टरल फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग में वैसे ही बिल्कुल जैसे अभी हमने पढ़ा था जितनी भी आपका एक पेस्टर ऑफ लैंड होता है उसमें इतनी चीजें ग्रो करी जाती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करा जाए कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इट प्रिवेल्स इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ मिड लैटिट्यूड्स इन द ग्रासजन विच हैर्ड इन टू एग्रीकल लैंड द कंट्रीज इंक्लूड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैनेडा यूक्रेन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश इन इंडिया द फार्मिंग इज डन विद मशीन लाइक ट्रैक्टर्स कंबाइंड हार्वेस्टर्स सी ड्रिल्स लेवलर्स एटसेट्रा इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग वो फिनला होता है जहाँ पे ग्रासलैंड को कन्वर्ट कर दिया जाता है एग्रीकल्चरल फार्म में यूजली आपको मिड लैटीट्यूड रीजन में दिखाई देगा फॉर एक्साम्पल स्ट अमेरिका कनेडा यहाँ पे आपको इस टाइप की रेयर एक्टिविटी दिखाई देगी पेस्ट्रल फार्मिंग हैज टू फॉर्म्स कैटल रैंचिंग फॉर मीट एंड डेयरी फार्मिंग फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स कैटल आर रेड फॉर मीट इन द ड्रायर पार्ट ऑन स्पेशलाइज ब्रांचेस विच हैव स्लॉटर हाउसेज मीट पैकिंग और फ्रीजिंग फेसिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कनेक्टिंग मार्केट एंड पोर्ट्स पेस्ट्रल फार्मिंग के दो टाइप होते हैं एक जहां पे कैटल्स को रेयर करा जाता है मीट या फिर फ्लैश के लिए ड्रायर पार्ट्स ऑफ द कंट्री या वर्ल्ड में करे जाते हैं जहां पे स्लॉटर हाउसेस होते हैं और दूसरा होता है कैटल रैंचिंग जो कि आपका मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए करे जाते हैं तो दो टाइप की आपकी पेस्ट्रल फार्मिंग होती है Dairy farming has been developed to meet the need of large urban areas and industrial cities. Milk is a perishable item so excellent transport facilities are a must. Refrigerated tankers are also used. Milch milk producing cattle are reared on fodder and hay. Machines are widely used for cleaning and milking the cattle that are mostly stall fed and moved on conveyor belts. This type of scientific farming is prevalent mostly in the developed countries because huge capital investments are needed. Other methods of agriculture include sericulture or the rearing of silkworms to produce silk from their cocoons, and pisciculture, which is the rearing of fish, oysters, prawns, etc. तो आपके पेस्टल फार्मिंग में और भी बहुत सारे टाइप के एनिमल्स को रेयर करा जाता है फॉर एग्जाम्पल सेरीकल्चर यहाँ पे सिल्क वर्म से उसके कुकूम से सिल्क निकाला जाता है जिससे आपकी फर्दर सिल्क के प्रोडक्ट्स बनते हैं सेम वे में आपका पिसीकल्चर होता है पिसीकल्चर में जो बहुत सारे फिशरीज होती हैं जैसे आपके फिशेज हो गए प्रॉन्स हो गए ऑइस्टर्स हो गए एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं बेसिकली उनको रेयर करा जाता है फर्दर कंजम्पन के लिए प्लांटेशन एग्रीकल्चर इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन एशिया एंड एफ्रीका ब्रिटिश ड्यूरिंग द कोलोनियल पीरियड दे आर मोस्टली ओनड बाई लोकल पीपल और द गवर्मेंट इन रिसेंट इज मशीन आर बी इंट्रोड्यूस्ड टू मैकेट इन ऑपरेशन प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो आपको कोलोनियल पीरियड में सबसे ज्यादा एशिया और अफ्रीका में दिखाई देगी मोस्टली ये पर्सनली ओन्ड होती है इंडिविजुअल ओन करते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम जो है आपको मशीन का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा दिखाई देगा Quick facts, plantations are found in America, Asia and Africa. इन इंडिया प्लांटेशन आर फाउंड इन आम केरला एंड कर्नाटका तो प्लांटेशन आपको दिखाई देंगे अमेरिका में एशिया में अफ्रीका में और इंडिया में आपको स्पेसिफिकली केरला कर्नाटका इन रीजन में प्लांटेशन ज्यादा इंटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग प्रैक्टिस्ड एज हॉर्टिकल्चर दैट इज द इंटेंसिव प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स फ्रूट एंड फ्लावर्स ऑन स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड एज इज डन इन मोस्ट ऑफ यूरोप फ्रूट फार्मिंग इन पर्टिकुलर हेज डिप्ड इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एज ए स्पेशल ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर एस्पेशली आफ्टर क्विक ट्रांसपोर्ट and improved methods of fruit preservation were available viticulture cultivation of grapes is widely practiced in france italy and spain in europe and other mediterranean countries the well-irrigated lands of california in usa produce olives grapes figs oranges prunes and apricots commercially for canning juice and wine production the so, intensive commercial farming maca of horticulture horticulture yani vegetables फ्रूट्स और इन सारी चीजों को ग्रो करना ये आपकी मेडिटेरेनियन कंट्रीज में भी आपको दिखेगा अलग अलग एशियन कंट्रीज में भी दिखेगा यहाँ पे जो आपके ग्रो कर जाते हैं फॉर एग्जाम्पल विटिकल्चर विटिकल्चर यानी कि ग्रेप्स को कल्टीवेट करना ये आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सबसे ज्यादा दिखाई देगा जो फर्दर फिर कमर्शलाइज करे जाते हैं आपकी वाइन बनाई जाती है एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं कैन जूसेज बनाए जाते हैं एप्रिकॉट्स है। का प्रोडक्शन होता है तो ये सारा आपका हॉर्टिकल्चर में आता है Mixed farming. When livestock are reared along with crop cultivation, it is known as mixed farming. The farmers grow cereals and vegetables with fodder oats, maize, and root crops for their livestock. Equal emphasis is given to crop cultivation and rearing cattle, sheep, pigs, and poultry. Crop rotation retains soil fertility. Crop residues provide hay for the livestock in the winter season mixed farming is generally followed in densely populated areas of europe eastern north america argentina southeast australia and south africa efficient methods of cultivation quick means of transport and a ready market in the nearby areas ensure good financial returns for the farmers fruits vegetables and flowers are sold to the nearby urban मार्केट मिक्स फार्मिंग होती है जहां पे आपके क्रॉप्स भी कल्टीवेट करे जाते हैं और लाइफ स्टॉक की रेयरिंग के लिए जो फॉर्डर होता है मेज होता है वो भी साथ में ही ग्रो करा जाता है तो यहाँ पे आपका कल्टीवेशन भी साथ साथ चलता रहता है उसके साथ साथ आपके जो लाइफ स्टॉक जो आप हो गए बाफुल्स हो गए गोड्स शीप्स इन सबके रेयरिंग के लिए भी चारा वगैरह यहीं पर ग्रो करा जाता है

और दूसरे आपके होते हैं कैश क्रॉप्स तो आपके ये जो सारी चीजें आपको मिलती हैं ह्यूमन काइंड के सब्सिस्टेंस के लिए सस्टेनेंस के लिए प्लस इंडस्ट्रियलाइजेशन के यूजेस के लिए वो सारी आपको एग्रीकल्चर से मिलती है फूड क्रॉप्स फूड क्रॉप्स आर क्रॉप्स दैट फॉर्म द बेसिक फूड ऑफ पीपल फूड क्रॉप्स इंक्लूड चीफली सीरियल ग्रेन्स लाइक वीट राइस कॉर्न

राइस राइस इज द चीफ फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड नियरली हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड्स अपॉन इट एज देअ स्टेपल डाइट सबसे पहला आपका मेन टाइप का जो क्रॉप है फूड क्रॉप वो है राइस सबसे ज्यादा उगाया जाता है सबसे ज्यादा कंज्यूम भी करा जाता है कंडीशंस फॉर कल्टिवेशन टेंपरेचर, मिनिमम ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन एंड 27 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस एट द टाइम ऑफ ग्रोथ तो राइस के ग्रोथ करने के लिए जिस टाइम पे सीड जर्मिनेट कर रहे हैं उस टाइम पे अराउंड आपका 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए और जिस टाइम पे उसके ग्रोथ ईयर्स है या ग्रोथ डेज है उस टाइम पे आपका सत्ताईस से तीस डिग्री का टेम्परेचर होना ही चाहिए रेनफॉल बिटवीन हंड्रेड सेंटीमीटर टू टू हंड्रेड सेंटीमीटर इरीगेशन इज रिक्वायर्ड वे रेनफॉल इज लेस सौ से दो सौ सेंटीमीटर तक की आपको रेनफॉल चाहिए होती है और जहां पे रेनफॉल नहीं होती है वहां पे एडिकुएट वाटर सप्लाई होना चाहिए रिलीफ In and in in राइस प्लांट इज नोन एज पैडी इट इज ग्रोन इन फ्लडेड फील्ड इन प्लेन्स एंड इन टेरिस्ड फील्ड इन माउंटेन जो राइस प्लांट है उसको पैडी भी कहा जाता है या आपके जो टेरिस वाले एरियाज होते हैं माउंटेन इस एरिया में वहां पर ज्यादा पाए जाते हैं बहुत ही फ्लडेड एरियाज में जहां पानी ऊपर ऊपर तक भरा रहता है एरियाज ऑफ प्रोडक्शन चाइना इंडोनेशिया थाईलैंड बांग्लादेश म्यांमार एंड जापान आर द मेन राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन इंडिया राइस इज ग्रोन मोस्टली इन वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश बिहार असम एंड कश्मीर वैली तो चाइना जपान थाईलैंड इंडोनेशिया म्यांमार बांग्लादेश ये आपके मेजर प्रोड्यूसर्स हैं राइस के इंडिया में वेस्ट बंगाल कश्मीर वैली असम ऐसी लोकेशन में ज्यादा राइस ग्रो करे जाते हैं ट्रेड ओनली गुड क्वालिटी राइस लाइक द इंडियन बासमती हैज एंटर्ड इंटरनेशनल ट्रेड मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूस इज फॉर द यूज विद इन द कंट्री तो इंडिया का जो ट्रेड है राइस का जो बहुत ही फाइन क्वालिटी राइस है बासमती उसी को एक्सपोर्ट करा जाता है बाकी सारा जो राइस के क्वालिटीज है वो इंडिया में ही कंज्यूम करे जाते हैं वीट

कंडीशन फॉर कल्टिवेशन टेम्परेचर इट रिक्वायर्स टेन डिग्री सेल्सियस वाइल्ड सोइंग एंड फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस टू ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस वाइल्ड राइपनिंग तो जिस टाइम पे जर्मिनेट हो रहा है सो कर रहे हैं उस टाइम पे आपका दस डिग्री से पंद्रह डिग्री के बीच में होना चाहिए और जिस टाइम पे आप हार्वेस्ट कर रहे हैं उस टाइम पे पंद्रह डिग्री होना चाहिए Rainfall. It requires moderate rainfall between 40 centimeter to 75 centimeter rainfall. Your 40 cm to 75 centimeter. type of wheat. Two main varieties are spring wheat, as in Canada, and winter wheat, as in USA and India. There are a number of varieties based on its color and hardness. It is also grown in Australia, Ukraine, and Argentina. In India, the wheat belt extends over Punjab. हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एक्सेट्रा एंड इज ग्रोन इन विंटर तो आपकी जो वीट है दो मेन वराइटी होती है इसकी स्प्रिंग अलग अलग लोकेशन से उगाया जाता है इंक्लूडिंग इंडिया यूक्रेन एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ट्रेड वीट फॉर्म्स इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड यूएसए ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस आर द मेन कंट्रीज दैट एक्सपोर्ट वीट यूएसए ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस ये तीन आपकी ऐसी कंट्रीज हैं जो मेजर एक्सपोर्टर्स हैं वीट की मेज मेज इज अ क्रॉप विच इज यूज बोथ एज फूड एंड फॉर इट इज नोन एज कॉर्न इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट इट ओरिजिनेटेड इन साउथ अमेरिका एंड वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप बाय कोलम्बस इट इज टूडे यूज एज फूड ग्रेन फॉर्डर एंड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बियर एंड कॉर्नफ्लेक्स तो मेज जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इसे कॉर्न कहा जाता है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इंट्रोड्यूस करा था कोलम्बस कंडीशन फॉर कल्टिवेशन टेम्परेचर ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस टू थर्टी डिग्री सेल्सियस रेनफॉल बिटवीन 50 टू 100 सेंटीमीटर एरियाज़ ऑफ प्रोडक्शन यूएसए चाइना ब्राजील मेक्सिको फ्रांस एंड अर्जेंटीना आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ मेज इन इंडिया इट इज ग्रोन इन उत्तर प्रदेश कर्नाटका एंड बिहार यूएसए इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मेज इन द वर्ल्ड तो यहाँ पे टेम्परेचर ये बीस से तीस डिग्री रेनफॉल आपको चाहिए 50 से 100 सेंटीमीटर और सबके बहुत सारी कंट्रीज में होता है इंडिया में भी उगाया जाता है कुछ पार्ट में लेकिन यूएसए जो है वो मेजर प्रोड्यूसर है कॉर्न का मेज का मिलेट्स मिलेट्स विच आर यूज बोथ एज फूड ग्रेन एंड फोर्डर इन इंडिया एंड अफ्रीका। फोर क्रॉप ज्वार बाजरा रागी एंड सोरगम फॉर्म अ ग्रुप नोन एज मिलेट्स तो मिलेट जो हैं वो इंडिया में एशिया में और अफ्रीका में दोनों ही जगह इस्तेमाल करे जाते हैं एज फूड क्रॉप एंड ऑल्सो एज फोर्डर Conditions for cultivation. Temperature between 20 and 27 degrees Celsius and 32 degrees Celsius. Rainfall between 20 and 100 centimeters. No special requirement of soil is there. Even less fertile soils, sandy soils, and difficult terrain may suit the crop. Areas of production millets are produced mainly in India, Nigeria, Niger, and चाइना इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड मिलेट्स की कल्टिवेशन के लिए आपको 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर के बीच का टेम्परेचर मेंटेन करना है 20 से 100 के बीच में आपकी सेंटीमीटर की रेनफॉल होनी चाहिए और मिलेट्स को ग्रो करने के लिए कुछ खास फर्टाइल लाइन की जरूरत नहीं होती है सैंडी सॉइल में भी बड़ी आसानी से मिलेट्स ग्रो कर जाते हैं क्विक फैक्ट मिलेट्स आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड नोन टू ह्यूमन एंड पॉसिबली फर्स्ट सीरियल ग्रेन टू बी यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पसेज तो मिलिट जो है वो ह्यूम को जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड है जो ह्यूम ने ग्रो करना शुरू किया था कमर्शियल क्रॉप कमर्शियल क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर सप्लाई टू एन इंडस्ट्री द सेल ऑफ द क्रॉप्स ब्रिंग रेडी कैश फॉर द फार्मर सो ऑल्सो कॉल्ड एज कैश क्रॉप्स कॉटन जूट टी कॉफी शुगर केन एंड शुगर बीट आर ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल क्रॉप कमर्शियल क्रॉप जो होते हैं वो इस पर्प से ग्रो करे जाते हैं कि वो इंडस्ट्रीज को सेल करे जाएंगे इन रिटर्न फार्मर्स को इसकी जगह पैसे मिलते हैं फॉर एग्जाम्पल जूट टी कॉफी कॉटन ये सारे आपके कमर्शियल क्रॉप में आते हैं कॉटन कॉटन हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया इट वॉज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन द हरप्पन कल्चर और इन दस वैली सिविलाइजेशन द लॉन्ग स्टेपल वराइटी इज कंसिडर्ड बेस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग फाइन एंड स्ट्रॉन्ग क्वालिटी क्लॉथ तो कॉटन जो है इंडिया में ही ओरिजिनेट हुआ था पूरी दुनिया को इसका जो इंट्रोडक्शन है कॉटन की ग्रोथ का वो इंडिया में ही स्टार्ट हुआ था कंडीशन फॉर कल्टिवेशन टेम्परेचर बिटवीन ट्वेंटी टू डिग्री सेल्सियस एंड फोर्टी डिग्री सेल्सियस रेनफॉल एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ सिक्सटी टू हंड्रेड सेंटीमीटर सूट द प्लांट वन कंडीशन रिक्वायर्ड इज टू हंड्रेड टेन फ्रॉस्ट फ्री डेज इन अयर लेबर कॉटन कल्टिवेशन रिक्वायर्स अबंड चीप लेबर इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड मोस्ट ऑफ द वर्क इन द कॉटन फील्ड इज डन आर रिप्लेसिंग एनुअल लेबर तो कॉटन के आपके ग्रोथ के लिए टेम्परेचर चाहिए 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्रीज तक का जो आपको एनुअल रेनफॉल चाहिए वो आपको चाहिए 60 से 100 सेंटीमीटर्स और यूजअली आप देखिए कॉटन का प्रोडक्शन अलग अलग लोकेशन पे करा जाता है ज्यादातर जो आपके विजेस होते हैं वहां पर अगर ग्रो करे जाएंगे तो मैनुअल लेबर होती है बट करेंट टाइम्स में आप

कुछ कुछ ऐसे पार्ट्स हैं फॉर एग्जाम्पल गुजरात एंड महाराष्ट्र वहां पे ग्रो करे जाते हैं लेकिन कुछ और स्टेट्स भी हैं जैसे हरियाणा पंजाब वहां पर एलुवियल सॉइल में भी कॉटन को अब ग्रो किया जाने लगा है जूट जूट इज कंसिडर्ड एज अ गोल्डन फाइबर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इट इज अलोंग सॉफ्ट शाइनी फाइबर दैट रिजिस्ट स्ट्रेचिंग इट इज यूज फॉर मेकिंग पैकिंग मटीरियल्स लाइक कार्पेट्स रोप्स बैग्स मैथ्स एंड मैनी अदर प्रोडक्ट जूट है इसको गोल्डन गोल्ड बोला जाता है सब कॉन्टिनेंट रीजन का क्योंकि ये बिल्कुल शाइनी सा गोल्डन कलर का नॉन स्ट्रेचेबल मटीरियल होता है जिसे बहुत सारी चीजों के लिए यूज करा जाता है कंडीशंस ऑफ कल्टीवेशन रिलीफ जूट ग्रोज वेल ऑन द वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन द फूड प्लेन वे द सॉइल्स आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर temperature between 22 degrees celsius and 27 degrees celsius rainfall 150 centimeter per year soil it grows well in the alluvial soils of delta as well as on loamy soils areas of production major areas of cultivation are india bangladesh and china these three countries account for 85 percent of world's production jute is grown best in the ganga brahmaputra delta region तो आपके जूट के ग्रोथ के लिए अराउंड 100 सेंटीमीटर जितनी आपको एनुअल इनफॉल चाहिए 100 से डेढ़ सौ के बीच की इसके अलावा जो टेम्परेचर मेंटेन करना है वो आपका 22 से 27 डिग्री के बीच में रिलीफ फीचर्स जो है इसके वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल में इसको ग्रो करना होता है और चाइना बांग्लादेश इंडिया यहां पर ये मेजरली प्रोड्यूस करे जाते हैं टी टी इज वर्ल्ड मोस्ट फेवरेट बेवरेज क्रॉप

लैंड में ग्रो करे जाते हैं लेबर टी कल्टिवेशन रिक्वायर सप्लाई ऑफ चीप लेबर द प्रूनिंग एंड पिकलिंग ऑफ टी लीव आर डन बाय विमेन वाइल द प्रोसेसिंग इज डन बाय मेन। तो ये जो पूरा का पूरा फार्मिंग एक्टिविटी होता है पिकिंग करना होता है सो करना होता है औरतें करती हैं और उसके आगे का जो मेन प्रोडक्शन वाला काम है वो मेन करते हैं एरियाज ऑफ प्रोडक्शन इंडिया इज द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज लाइक चाइना श्रीलंका केनिया जपान इंडोनेशिया एंड बांग्लादेश जपान इंडोनेशिया केनिया चाइना ये सारी ही टी को प्रोड्यूस करती है लेकिन लीडिंग प्रोड्यूसर जो है पूरे वर्ल्ड में टी का वो है इंडिया कॉफी सम People consider coffee a drink of the elite. Others denounce it as an intoxicating drink on religious grounds. So, a lot of that the elite have, have coffee. elite the coffee plant was introduced in India by the British. The two types of coffee plants are Arabica or Mocha and Coffee Robusta. अरेबिका इज अपीरियर क्वालिटी एंड अकाउंट फॉर नाइनटी परसेंट ऑफ वर्ल्ड टोटल कॉफी प्रोडक्शन ब्रिटिश के द्वारा इंडिया में कॉफी को इंट्रोड्यूस करा गया था दो इसके मेन टाइप के सुपीरियर प्लांट्स है एक है अरेबिका जिसे मोका भी कहते हैं और दूसरा है कॉफी रोबस्टा कंडीशंस ऑफ कल्टिवेशन टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस रेनफॉल 125 ट्वेंटी फाइव टू टू सेंटीमीटर एरियाज ऑफ प्रोडक्शन चीफ प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर ब्राजील एंड कोलम्बिया इन इंडिया इट इज ग्रोन ऑन ईस्टर्न शेल्टर्ड स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन कर्नाटका केरला एंड तमिलनाडु टेम्परेचर चाहिए अट्ठारह से अट्ठाईस डिग्रीज तक का वन से दो तक सेंटीमीटर की, की इसको रेनफॉल चाहिए होती है इंडिया में भी कुछ वेस्टर्न घाट्स वाली रीजन है जहाँ पे इसको ग्रो करा जाता है Sugarcane. Sugarcane is the main source of sugar. It is a tropical grass with a juicy stem that yields a sugary juice. It is an annual crop because it takes a year to be grown and harvested. It is grown from the cuttings and not from the seeds. Its plant attains a height up to टू मीटर्स शुगर जिससे आपको शुगर एक्सट्रैक्ट होता है स्टेम वाला जो रीजन होता है बहुत ही जूसी होता है शुगरी जूस से क्रिएट करता है और उसको पूरा एक साल लगता है कंप्लीटली ग्रो करने में इसीलिए इसको एनअल क्रॉप भी कहा जाता है इसके अलावा जो इसकी हाइट होती है करीबन एक से तीन मीटर तक रेंज कर कंडीशंस ऑफ कल्टीवेशन रिलीफ शुगर केन ग्रोज वेल इन लोमी एंड वेल रेन सॉइल ऑफ प्लेन्स Temperature 25 degrees to 30 degrees Celsius, rainfall 75 to 150 centimeter. Areas of production. India is the leading producer of sugarcane. It is also grown on an expansive scale in Cuba and Hawaii. Other major producers of sugarcane are Australia, Pakistan, Philippines, Fiji, South Africa, Brazil, Mexico, Java Island and some countries in Africa. तो इसको ग्रो करने के लिए जो आपको जगह चाहिए वो आपकी लोमी होनी चाहिए वेल ड्रेन होनी चाहिए पच्चीस से तीस डिग्री की आपको टेम्परेचर चाहिए सत्तर से सौ तक की सेंटीमीटर की आपको रेनफॉल चाहिए और फिजी साउथ अफ्रीका इन सारी लोकेशंस पे इसको ग्रो करा जाता है Agricultural development. Agriculture plays a crucial role in the economy of all countries and provides the main source of food, income, and employment to their rural populations. Agricultural development refers to improvement in agriculture techniques and planning so as to increase. Farm production. It is very essential to meet the food needs of the increasing population. It can be done by bringing more land under cultivation, using new technologies for various farm processes, using high yield varieties HYV seeds, using better insecticides and pesticides, providing irrigation facilities. The Green Revolution was launched after independence in. इंडिया तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का होना बहुत जरूरी है जैसी पहले की हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस थी वो उस टाइम की नीड्स के अकॉर्डिंग केटर की जाती थी लेकिन अब क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई है तो लैंड को ज्यादा से ज्यादा लेना पड़ेगा अपने अंडर में कल्टिवेट करने के लिए एच सीड्स का यूज करना पड़ेगा जो हाई यील्ड वराइटी वाले सीड्स होते हैं इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड जो होते हैं उनका भी इक्वल तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था वो आया था आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद The basic elements of green revolution were educating farmers about new technologies continuing expansion of agricultural lands by bringing more land under cultivation using the genetically improved HYV seeds chemical fertilizers and pesticides double cropping on the farmlands प्रोवाइडिंग पावर सप्लाई एंड इरीगेशन तो ये जो ग्रीन रेवल्यूशन लॉन्च किया गया था प्रोग्राम इसके तहत फार्मर्स को अवेयरनेस दी जाती थी किस तरीके का सॉइल आपका होना चाहिए क्या क्या आपको मेजरमेंट्स लेने चाहिए ताकि आपका फर्टाइल लैंड लंबे टाइम के लिए रहे कैसे क्रॉप ग्रो होने चाहिए इंसेक्टिस फर्टिलाइजर्स मैन्योअर्स में क्या डिफरेंस होता है क्या आपको अपने कौन से क्रॉप में किस तरीके के मैन्योर डाले जाते हैं फर्टिलाइजर्स को कौन से कौन से तरीकों से यूज किया जाता है एच वाईवी सीड्स कैसे हम लेकर आए सीड्स को कैसे चूज करना चाहिए सारी चीजें ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर फार्मर्स को सिखाई जाती थी इट improving इन इंप्रूविंग एग्रीकल्चरल आउटपुट The रेवोल्यूशन revolution क्रिएटेड created ऑफ of ओनली फॉर एग्रीकल्चरल वर्कर्स बट but इंडस्ट्रियल वर्कर्स बाय द क्रिएशन ऑफ रिलेटेड related सच एज फैक्ट्रीज एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर stations. तो so, बहुत ज्यादा इंप्लायमेंट जनरेशन भी हुआ था ना केवल एग्रीकल्चरल फार्मर्स के लिए बल्कि उसके आसपास जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स थे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी थी इंडस्ट्रीज उसके आसपास बननी थी तो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हुआ था Similarly, white revolution was launched to support the dairy farmers. Dairy farmers were educated through various means. Better breeds of animals and veterinary facilities increased milk production many folds. इसी तरीके से white revolution आया था dairy products के लिए जो dairy farmers थे उनको भी सिखाया जाता था कि best uh, animals को किस तरीके से rear करा जाए. Veterinary facilities दी गई कि अगर आपके जानवरों को कुछ problem है कुछ बीमारी हो गई है time to time उनके जानवरों की health checkup के लिए veterinary facilities भी थी जाती थी रिकेप द टर्म एग्रीकल्चर रेफर्स टू कल्टिवेशन ऑफ फील्ड इंक्लूडिंग रेरिंग ऑफ एनिमल्स एंड सम रिलेटेड एक्टिव एंड क्लाइमेट कंडीशन रिलीफ डिटरमाइन द पैटर्न्स ऑफ एग्रीकल्चर द टाइप्स ऑफ फार्मिंग कैन नॉर्मली डिवाइडेड इंटू टू मेन कैटेगरीज सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर When the farmer produces crop to sustain his family and sells or exchanges the surplus locally it is called subsistence agriculture subsistence agriculture can be shifting agriculture nomadic herding intensive subsistence agriculture etc commercial agriculture involves specialized farming with the aim of selling produce in the market to earn maximum profit this includes extensive commercial grain farming pastoral farming plantation agriculture and intensive commercial horticulture viticulture etc farming and mixed farming three major groups of crops are food crops and commercial crops staple crops food crops include chiefly cereal grains like wheat rice corn maize and millets commercial crops such as cotton jute tea coffee and sugarcane are mainly produced for supply to respective industries

अलग अलग टाइप के क्रॉप्स को किन किन तरीकों का टेम्परेचर चाहिए होता है कितनी रेनफॉल चाहिए होती है और मेजर प्रोड्यूसर्स पूरे दुनिया में कौन है इन सभी चीजों के बारे में आज हमने इस चैप्टर में पढ़ा स्टूडेंट्स दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर इसकी जितनी भी एक्सरसाइजे आपको खुद से करनी है